रहीम उम्मीद वासी है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको चनियोट की तारीखी इमारत उमर हयात महल की तारीख के मुतालिक बताना चाहता हूँ। उनके खादिम हमारे साथ मौजूद हैं, वो जो केयर टेकर है और यहाँ लाइब्रेरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वो हमें डिटेल से इस इमारत के मुतालिक बताएंगे। जी तो सर, उमर हयात जो ये पैलेस बना हुआ है, इसकी तारीख के मुतालिक आप कुछ हमें बताएँ। जी, शेख उमर हयात जो चनियोट के बासी थे, जिनका ख़ानदानी शहर चनियोट था, उनका बिजनेस कलकत्ता में था। उस कलकत्ता से कमाई दौलत के ज़रिए उन्होंने इस 14 मरले पर 4 लाख रुपए की लागत से 1921 से 30 तक, बाज़ रवायतें हैं कि 1925 से 35 तक ये 5 मंजिला महल बनवाया 14 मरले पर। अगर पहली रवायत को लें तो उमर हयात इस महल में 5 साल रहे। दूसरी बात को माने तो उमर हयात महल बनवाते चल बसे 1935 में। वो उमर हयात करीब कब्रिस्तान है, वहाँ दफन है। इसके साथ एक दुख भरा, बाप के मर जाने के बाद उसके बेटे की, यानी उसके बेटे की माँ फातिमा ने, उमर हयात की वाइफ ने, बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। बस अल्लाह का अमर गालब रहा कि उनका पोता बेटा अपनी शादी की अगली सिलेर को चल बसा। अब अकलौती औलाद थी, उसकी माँ ने कहा जहाँ जिंदा नहीं रहे मर के तो रहे, अपने बेटे को महल के अंदर ही दफन करवा दिया। उसके 1 साल बाद उनकी माँ भी वफात पा गई, उन्हें वसीयत के मुताबिक बेटे के पैरों में दफन कर दिया। ये महल अपने मालकान का मिजार बन गया। जब सब अल्लाह से जा मिले इस इमारत के मालकान, तो इस इमारत में उमर हयात के भाइयों ने यतीम खाना बनवा दिया। माछी बरादरी के चंद खानदान रहते रहे, उनसे फिर 1990 में यहाँ की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, ज़िलाई हुकूमत ने, ज़िलाई इंतज़ामिया ने इसको संभाला। पुरानी सकाफत को तहफ़ देने के लिए इस इमारत को गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी करार दे दिया गया। माछी बरादरी के जो चंद खानदान थे उन्हें अपने असल घरों में भेज दिया गया। तो इसमें लाइब्रेरी का रेनोवेशन हुई इसकी इमारत की, लाइब्रेरी का क्या अमल में लाया गया। आज ये शहर चनियोट की लाइब्रेरी, इसमें म्यूज़ियम भी बनाया गया और अपने तामीराती हवाले से, तामीराती खूबसूरतियों के बना पर आज ये शहर चनियोट की पब्लिक लाइब्रेरी भी है और वहाँ उसके साथ साथ सैर व सियाहत का मरकज भी बना हुआ है। ये मुझे बताएं कि लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने इसकी रेनोवेशन कब, 2014 हाल में भी ये आपके सामने अभी चंद दिन हुए कि यहाँ लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। आसार कदीमा आर्कियालॉजी डिपार्टमेंट, आर्कियालॉजी बर्ड ने इसके सामने के लान में बेंचेस का और वो स्नान आ रहे हैं, एस्टिमेट लगा चुके हैं। जो लाहौर में सारे कदीमा ने वॉलेट सिटी के तहत वो काम किए हैं, उनकी तरफ से कोई प्रपोजल आई है वो काम करने के लिए तैयार है? जी हाँ, उन्होंने इंतजार शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने इसे प्रोटेक्टेड साइट करार दे रखा है। बिल्कुल, चनियोट की शाहीन मस्जिद, शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह का मज़ार और जो उमर हयात महल, ये आर्कियालॉजी डिपार्टमेंट पंजाब, हुकूमत पंजाब की तरफ से ये प्रोटेक्टेड साइट है, यानी इसका बचाया जाना लाजम और इसका गिराया जाना ममनू है। बिल्कुल ठीक है, तो ये उनकी लिस्ट में है। इसके लिए उन्होंने अपने उनके ओवरसीयर्स और एससीएस साहब एस्टीमेट लगा चुके हैं कि किससे की पैमाइश जो मुरम्मत तलब है अपने नोट करके ले जा चुके हैं। हाँ, जुआया होते ही इंशाल्लाह काम शुरू होगा। जी व्यूअर्स, आपने सुना है, अब ये अंकल जो यहाँ केयर टेकर भी हैं, यहाँ लाइब्रेरियन भी हैं और ये सारा इनके अंडर काम है, ये अब हमें इस महल का विजिट करवाएंगे। चलिए जी अंकल। ये अगरचा उमर हयात का बेडरूम था, अब हमारा रीडिंग रूम, मीटिंग रूम या कॉन्फ्रेंस हॉल बना हुआ है। ठीक है, पहले भी आपने छत देखी। इस महल की एक ये खूबी भी है, इसकी तामीराती खूबियों में से
कि इस महल की 3 मंजिलों में कोई लगभग छोटे बड़े मिला के 20 कमरे हैं। आप जिस कमरे में जाएंगे छत का पैटर्न अलग होगा, छत का डिजाइन मुख्तलिफ। अच्छा सर, जो हर छत की सजावट अलग, जो माश गुड़ का शीरा पटसन बान मिला के, बाज कहते हैं माहिरीन चावल का आटा शामिल करके, ऐसे गारे से बनी टाइल्स। अंकल ये कौन सा रूम है, आप इसके मुतालिक कुछ बता सकते हैं? जिस कमरे में हम आए हैं ये उमर हयात का पर्सनल रूम था, मेहमानों से मिलने का, बैठक। इसके दो दरवाजे हैं, वो भी बाहर को खुलते हैं, ये भी बाहर को, भी बाहर को खुला। तो ये मेहमानों से मिलने, जैसे मैंने बताया, इसकी छत बड़ी मुनफरिद नोयत की है कि इसमें उसने अपना नाम लिखा है। अगर आप ये कैमरे की आँख ऊपर करें, ये देखें, पहले यू और उसके अंदर एच, हर दायरे में ये यू और एच लिखा है, उमर हयात, उमर हयात। और ये शीशों में भी लिखा है, ये देखिएगा, ये दो पट्टियां मिलके यू को जाहिर करती हैं, ऊपर ग्रीन एच, उमर हयात। ठीक हो गया, थैंक यू। इनके मुतालिक बता सकते हैं अंकल, ये कब्रें किन की हैं? ये उमर हयात के अकलौते बेटे गुलजार अहमद और उसकी माँ फातिमा की मज़ार हैं। ये जो ट्रेजेडी हुई इस महल में कि उनका अकलौता बेटा शादी की अगली सवेर को चल बसा, नहाते हुए बाथरूम में, नहाने के लिए बाथरूम में गया अपने वलीमे वाले दिन, तो वहाँ कोयले की गैस से जो पानी गर्म हो रहा था, उस कोयले की गैस की भट्टी या उस चूल्हे में कोई ख़राबी पैदा हो गई, जिससे उस कोयले की गैस का धुआँ बाथरूम में फैल गया। उसके जहरीले असर से उनके अकलौते बेटे गुलजार की मौत वाक़ हुई। अब उसकी माँ ने, माँ से मोहब्बत थी जिसने उस बेटे के रहने के लिए सब कुछ बनाया था, अब उसने कहा जहाँ जिंदा नहीं रहे मार के तो रहे, अपने बेटे को महल के अंदर ही दफन करवा दिया। 1 साल बाद माँ भी चल बसे, उन्हें पहलू में दफन किया। ये महल गोया मिजार ठहरा, मिजार भी एक दायरा है कि उमर हयात से जो लगाव रखती थी फातिमा और अपने बेटे की मोहब्बत से, ये पता चल रहा है आज वो मर के भी सोमर हयात करीब कब्रस्तान है, जबकि उसकी माँ, उसकी वाइफ जो है गुलजार की माँ, आज मर के भी महल के में सो रही है। एक औरत की वफा की अलामत भी ये कब्रें है। थैंक यू वेरी मच। लकड़ी के महल होने के साथ साथ शीशों का अलग महल भी है कि लकड़ी के दरवाजों में शीशों का खूबसूरत काम भी किया गया है। बाथरूम ही अब तो जदीद वाशरूम बना दिया गया है। ये स्टेयर के सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने का क्या मंजर है। अब उमर हयात के केयर टेकर हमें दूसरी मंजिल पे लेके जाके उनकी हिस्ट्री बताएंगे। ये पानी का पुराना निजाम था, यहाँ पे कुआं था। जी अब हम अंकल हमें उमर हयात महल की दूसरी मंजिल की का विजिट करवाने जा रहे हैं, ये जिक्र है इसके मुतालिक सर कुछ बताइए। जिस जगह हम यहाँ खड़े हैं ये बिल्कुल व्यू ऐसे लग रहा है जैसे तख्त या ताज शाही दरबार वाला मंजर है। अब हम नेक्स्ट एक अगले कमरे में चलेंगे, वो उमर हयात का अकलौते बेटे गुलजार का बेडरूम था। ये चाहिए थी। ये अब हम किस जगह पे आए हैं? अब जिस जगह हम आए हैं ये उमर हयात के अकलौते बेटे का बेडरूम था। ये दूसरों से जुदा हो सकता है, ये उभरे हुए बॉर्डर, ये कार्नर, ये पीले बनी हैं, यहाँ पे ये सिंगार मेज की तरह के बनाए हुए हैं, तो ये शीशे का काम किया गया है। ये उमर हयात के अकलौते बेटे गुलजार अहमद का बेडरूम। अच्छा, तो ये उमर हयात के अकलौते बेटे गुलजार अहमद का बेडरूम है जो बदकिस्मती से शादी के अगली रात गुलजार के यहाँ इस कमरे में, ये कमरा है सुदार मुफारकत। थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स, ये उमर हयात महल का जो उमर हयात का बेटा था इकलौता गुलजार अहमद, बदनसीबी से शादी की अगली रात ही खुशियां रास ना आईं और एक अनजाने हादसे का शिकार होकर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर। ये उसका बेडरूम है जो कि अब खस्ता हालत में है
और गवर्नमेंट की तरफ से मुतद्दद मरतबा इसकी रेनोवेशन करवाई गई और अब भी उम्मीद वाशिक है कि गवर्नमेंट इस तरफ भरपूर तवज्जो देगी ताकि हमारे आसार कदीमा महफूज रह सकें। अच्छा था अच्छा झरोका नीचे के दरवाजों का पेंटिंग का फूल पत्तियों के बनाने का जुदा तरीका और नीचे अलग ऊपर अलग हर मंजिल की अलग खूबसूरती है। नीचे के फर्शों की नीचे के ऊपर के फर्शों में अलग खूबसूरती भरी दरवाजे अलग दे छत का डिजाइन मुख्तलिफ होगा और ये हम इसके गिर्द नवा की भी चिन्नौर की तारीख जानते चले। चिन्नौर शहर जो है ना ये हर शहर बल्कि पुरानी तहजीब का जो पुराने शहर हैं हमल हैं तो सो ये भी चिन्नौर पुराने शहरों में है। ये छोटी ईंट मुगल दौर का पता दे रही है। ये ब्रिटिश शहर का ये मिली जुली शहर की पहाड़ी है शहर चिन्नौर के अंदर। अब ये टावर वाली या शहर की बड़ी पहलाड़ी इस पर दाएं हाथ देखें तो एक शेर बैठा हुआ है। ज़रा अपने कैमरे के जरिए उसे क्लोज करें वो दाएं हाथ ये शेर बैठा हुआ है इसको कवर करें वो शेर इसकी भी एक हिस्ट्री है। आप उसी तरफ जाएंगे एक और एंगल से देखेंगे तो इस पर बंदर का फेस भी बना हुआ है इसी तरह हाथी का मुँह बना हुआ है डॉल्फिन फिश है बहील मछली है मगरमच्छ का मुँह बना हुआ है एक रीछ बैठा हुआ है। ये पत्थरों का चिड़िया घर आबाद है इस पहाड़ी की चोटी पर ये क्यों है तारीखदान बता रहे हैं कि सदियों पहले इस शहर को एक रानी चंदन ने आबाद किया था जो किसी महाराजा यानी महाराजा की बेटी थी हिंदू थी चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ तो यो उस चंदन से ये चंदनियोट हुआ फिर चिन्नौट हो गया। ये हिंदू थे ये पूजा करते थे हनुमान वगैरह तो ये उसकी इबादत गाह थी। अल्लाह की शान देखिए इस पहाड़ी पर एक ऐसी चट्टान भी है जहाँ पत्थर के अंदर पत्थर ही में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है वो देखा जा सकता है प्रोग्राम में रखना यहाँ जाना भी ठीक है। अच्छा ये आप इस लाइब्रेरी के मुतल्लिक सर कुछ बताएं। हाँ ये बुक्स पढ़ी हैं ये कोई 1000 रुपया फीस दे यहाँ बैठे ही पढ़ ले और घर उधार के तौर पे भी ले जाए। अच्छा ये महकमा औकाफ के अंडर है सारी चीज़ें अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर। ये जी दूसरी मंजर उमर हयात महल की इसमें ये लाइब्रेरी बनी हुई है और यहाँ आप बुक्स ले सकते हैं पे करके और यहाँ आके आप बैठ के पढ़ भी सकते हैं। ये अंकल हमें कुछ मजीद इसके मुतालिक बताएंगे। हाँ जी ये हमारे पास कोई जितना बड़ा शहर है उतना तो 10,000 बुक्स होने चाहिए इसके लिए। मैं आने वालों से जिन पर बस किताबें जायद पढ़ी हों ये गर्चा गवर्नमेंट ने ख़रीद के रखी जिनके पास जायद बुक्स हो तो हमें अपने लाइब्रेरी में जमा करा दें ताकि यहाँ कुतुब की तादाद का चूँकि ये जितना बड़ा शहर है उसके लिए 10,000 बुक्स चाहिए तो अभी उनसे कम है। जी व्यूअर्स तो आपने सुना कि यहाँ जितनी तादाद में आबादी है उस लिहाज से उमर हयात महल में बहुत बुक्स कम है लिहाजा जो बुक्स रीडिंग करते हैं बुक्स लवर हैं वो कोशिश करें कि यहाँ डोनेट करें ताकि लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफीद हो सकें आके पढ़ सकें। जो यहाँ नहीं पढ़ी जा रही महज अलमारियों में या कोई खौफ डर है कि उसे कोई रद्दी में ना बेच दें उस इलम के ख़जाने को तो वो यहाँ जमा करवा दें मेहरबानी। अंकल ने अभी हमें ना उमर हयात महल की दूसरी मंजिल की सैर करवाई है विज़िट करवाया है क्योंकि इसकी 5 मनाजिल थी जैसा कि अंकल ने बताया था लेकिन 2 जो हैं वो नापैद होकर गिरा दी गई थी और तीसरी जो है वो भी खस्ता हालत में मौजूद है।
तो अंकल आप दूसरी मंजिल के मुतालिक आपने हमें पूरा बड़ी भी हालत है वो भी हमें वो दिखाना चाहिए और पता भी चले कि ये मुरम्मत तलब है। अल्लाह करे ऐसा मामला हो कि तीसरी मंजिल को भी बचा दिया इंशाल्लाह हमारी आवाज़ इंशाल्लाह पहुँचेगी घरवालों तक पूरा सिटी व्यू। ये तीसरी मंजिल की तरफ आप हमें लेके जा रहे हैं। अब हम तीसरी मंजिल पे जाएंगे जहाँ ऊपर जाके इस महल की तीसरी मंजिल जो मखदूश हालत में है उसकी उजड़ेपन को देखें। बनी सवरी हाल तो हमने देख ली अब उसके पता चले कि ये मुरम्मत तलब है इंशाल्लाह बचा। दूसरा ये है कि हम सिटी व्यू ऊपर चढ़ के चारों तरफ के शहर चन्नौर तारीखी शहर की एक झलक देखते हैं। जी ठीक है चलिए। अल्लाह जी व्यूअर्स ये अब हम तीसरी मंजिल की तरफ जा रहे हैं जो कि तकरीबन नापैद हो चुकी है। खाली है इसका उजड़ापन है नीचे हमने बनी सवरी हालत देखी ऊपर इसकी वीरानी का आलम आप देख लें। ये जी उमर हयात महल की दो मनाजिल आपने देखी है ये अब तीसरी मनाजिल है जो अपने वहदे रफ्ता की दास्तां खुद अपनी जुबों हाली में बयान कर रही है। अब से पूरे तारीखी शहर चन्नौर का विज़िट कर सकते हैं आप व्यू कर सकते हैं ये आपको नज़र आ रहा पूरा चन्नौर शहर। उमर हयात महल की हम तीसरी मंजिल पे खड़े हुए हैं। ये सुनहरी मस्जिद की तरफ देखेंगे इमाम बारगाह इसके पार देखें तो वो बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है ये छोटा मंदिर है और इधर शहर चन्नौर की पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं बहुत सामने अंकल मंदिर नज़र आ रहा है बड़ा मंदिर है इसको सुकून नज़र आ रहा है मंदिर वाली असियत नहीं रही इसको सुकून नज़र आ रहा है। जी व्यूअर्स अंकल ने हमें उमर हयात महल जो एक तारीखी इमारत है उसका मुकम्मल तौर पर विज़िट करवाया है और हम उनके इंतहाई मशहूर हैं जिन्होंने अपना इंतहाई कीमती टाइम हमारे लिए सर्व किया अल्लाह ताला की इसमें अपना कमाल बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच।